गोपाष्टमी का पर्व के अवसर पर गुरु गोरक्षनाथ मंदिर स्थित गौशाला में ही सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गौशाला में गाय तथा नवजात बछड़े को गुड़ खिलाया गया तथा माला पहनाकर पूजा पाठ किया गया। गौशाला परिसर में कलश तथा दीप जलाकर विधिवत पूजा के बाद हवन किया गया। गोपाष्टमी के दिन गाय के दूध तथा चावल से विशेष प्रकार का प्रसाद जैवनार बनाया गया। गोईठा के आग पर हांडी में तैयार जैवनार प्रसाद सभी को वितरित किया गया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, मठ पुरोहित रामानुज त्रिपाठी, वैदिक कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी, मीडिया प्रभारी विनय गौतम, पशुपालन विभाग से डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर सरोज चौधरी, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, गौशाला के मान मोहम्मद शिव सरवन यादव, शिव शंकर धर्मेंद्र तथा गौ सेवक राधे बाबा मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, मठ पुरोहित रामानुज त्रिपाठी, वैदिक और मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा। हाँ गुरु जी, ले जाइए चावल, चावल दीजिए नाक में। ऐसा में हम गोभ्यो नमः। गाय हमारे आगे रहे, गाय हमारे पीछे रहे, गाय के हमारे चारों तरफ रहे, गाय के मध्य में हम बसे निवास करें। ये गो माता हैं, छोड़ दीजिए, माला ले आके पाला दीजिए। सामने से लाइए, सामने सामने बस हो गया पूजा हो गया। महाराज जी आइए, बच्चे को बना दीजिए। चलो टीका लगा जल्दी। मेरा नाम डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, मैं पशु चिकित्सा अधिकारी हूँ। आज गोपाष्टमी के अवसर पर पशुपालन विभाग गोरखपुर की तरफ से हम पशु चिकित्सकों को एक अवसर मिला कि हम आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर स्थित गौशाला में इस पूजन में हिस्सा लें। आज कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ये गोपाष्टमी मनाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि गाय के 33 कौवे देवी देवता वास करते हैं। आज के दिन गौ पूजन से हमारे सारे पाप दूर होते हैं। आज ये बहुत ही हमारे लिए शुभ अवसर है, हमारे लिए बहुत ही आनंददायक अवसर है कि आज हमें इस प्रांगण में के गौशाला में पूजन अर्चन करने का। हमारे चारों तरफ गाय ही गाय हों, ऐसा उद्देश्य करके गौ माता का पूजन किया गया और गौ से निर्मित दूध के द्वारा यहाँ जवनार चढ़ाया गया। सब लोग हवन किए गौ के शांति के लिए, गायों को कोई रोग व्याध न लगे, इसलिए गौ संवाद
का ये किया गया और गौओं के शांति के लिए गो पाठ भी किया गया। ऐसा ये उद्देश्य इसमें सभी लोग सम्मिलित हुए। मंदिर के द्वारिका तिवारी जी, अयोध्या राय जी, श्री कमलनाथ जी पुजारी, अन्य सभी भी साधु संत यहाँ उपस्थित होकर के और इस देश में हमारे शांति कायम रहे, इसलिए गौ की पूजा गोपाष्टमी के दिन जगह जगह किया जा रहा है। मंदिर में बड़ी धूमधाम से गौ पूजा किया गया। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों को यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी, आज गोपाष्टमी है। इस अवसर पर हम गौओं की पूजा, गौओं के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। गौ हमारी माता है, देश धर्म से नाता है, एक और चरितार्थ है। हमारी ये अभिलाषा है और जनता से अपील है, हर घर घर में एक गाय होनी चाहिए जो दूध भी देगी। पुण्य का कार्य है, हर दृष्टि से गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का मूत्र, पंचगव्य जिसको कहा गया है, सारा उपयोगी हमारे जीवन के लिए। इसलिए आज हम जनता से, गौ रक्षक से, गौ भक्त से ये अपील करते हैं, हर घर घर में एक गाय अवश्य रखकर उनकी सेवा करें और दूध का उपयोग करें, यही हमारी कामना है।